एक रात चारों तरफ आंधी के साथ खून की बारिश हो रही थी। गांव के सभी पक्षी अपने घरों में थे। वहीं दूसरी तरफ दो भूतिया चिड़िया की आत्मा आसमान में उड़ रही थी। तभी टुन्नू चिड़ा उनको हवा में उड़ता हुआ देख लेता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा आसमान में उड़ रही है, वो भी एक नहीं दो दो। हे भगवान, लगता है हमारे गांव में कहर आ गया है। अब इस कहर से हम कैसे बचेंगे? तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के मुंह से खून निकलता है, जिससे खून की बाढ़ आ जाती है। नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। गांव के सभी पक्षियों को मार डालेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। ये कहानी सीतापुर के गांव की है, जहां टुन टुनी और टूनी नाम की दो चिड़िया बहन अपनी बूढ़ी माँ बबली के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही करीब थे, इसलिए बबली कबूतरी दूसरे पक्षियों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। एक दिन उसके घर का मकान मालिक कड़कनाथ सेठ आता है। देख बबली, पूरे एक साल से तुमने मुझे किराया नहीं दिया, अब बहुत हुआ, अब मेरा घर खाली कर दे। मुखिया जी, हमें कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। अगर तुमने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई भी ठिकाना नहीं है। कड़कनाथ सेठ अपने आदमियों से कह कर उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा देता है। माँ, अब हम सब कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। बबली अपनी दोनों बेटियों के साथ चलते चलते एक घने जंगल में पहुँच जाती है, जिसके बाद जंगल में उन्हें एक टूटा फूटा घोंसला दिखाई देता है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। चलो बेटियों, आज रात हम यही गुजारा करेंगे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं यहाँ आग जला देती हूँ, उसके बाद तुम दोनों बहनें उसके सामने बैठ जाना, तुम दोनों को ठंड नहीं लगेगी। उस रात बारिश बहुत जोर से हो रही थी। तभी जंगल में दो नशीली शराब के नशे में यहाँ वहाँ रुकने का ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं। अरे भाई, बहुत रात हो गई है, कोई जुगाड़ ढूंढो, अब तो ठंड लग रही है, मुझे वहाँ एक घोंसला दिखाई दे रहा है। वो दोनों घोंसले में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें वो दोनों चिड़िया दिखाई देती है। अरे, यहाँ तो दो बहुत ही खूबसूरत चिड़िया भी है, चलो आज तो बहुत मजा आएगा। वो दोनों गुंडे उन चिड़ियाओं के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। बबली कबूतरी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों गुस्से में उसे मार देते हैं। माँ, ये तुम दोनों ने क्या किया? हमारी माँ को मार दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो टुन टुनी और टूनी चिड़िया को जान से मार देता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब वो दोनों बहनें भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाती हैं। इस धरती पर कोई भी अच्छा पक्षी नहीं है, हमारी माँ के अलावा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं था। उन दोनों बदमाशों ने हमारी माँ को मार दिया, मुझे बदला लेना है, मैं नहीं जानती, मैं सबको मार दूंगी। उस दिन के बाद से वो दोनों गांव के पक्षियों को मारने लगती है। बहुत हो गया, पक्षियों को एक एक करके मारना, अब मैं इस गांव का सर्वनाश चाहती हूँ। आज तो मैं यहाँ खून की बाढ़ और बारिश ला दूंगी, सबके सब मरेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के मुंह से खून निकलने लगता है, जिससे बाढ़ आ जाती है और पक्षी उसमें डूबकर मरने लगते हैं। हे भगवान, कोई मेरी मदद करो, कोई हमें इन दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा से बचा लो, नहीं तो इस गांव का हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश हो जाएगा। ये आखिर चाहती क्या है? ये हमें क्यों मार रही है? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, कोई मसीहा भेज हमारे लिए, इस मुसीबत से हमें जो बचा सके। चारों तरफ बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी आसमान में बबली कबूतरी की आत्मा आती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटा ये तुम दोनों क्या कर रही हो? बेकसूरों को क्यों मार रही हो? इन सब ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। नहीं माँ, हम आपकी मौत का बदला लेकर रहेंगे। बेटा, इस तरह तुम दोनों की आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाएगी, चलो मेरे साथ, ये सब छोड़ दो, तुम्हें अपनी माँ की कसम। ये बात सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ठीक है माँ, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये कहकर वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।
हरी नागपुर गांव में रहने वाला एक इलेक्ट्रिशियन था। वो अपने गांव का इकलौता इलेक्ट्रिशियन था और इसलिए हर शादी में नागपुर वाले हरी तोता को ही बुलाया करते थे। एक रात जब हरी एक शादी से अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था, तब अचानक ही उसे गांव की नदी के पास बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी। वो ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। अरे ये बैंड बाजे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये नदी के पास वाली जमीन तो दल दल बन चुकी है और कई पक्षियों की उसमें धंसने की वजह से मौत भी हो चुकी है, तो फिर ये सब क्या है? ये कहते हुए हरी तोता ने अपनी साइकिल घुमाई और नदी के पास देखने गया कि इतनी रात में उस रास्ते से किसकी बारात जा रही है। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नदी से बारात जा रही थी। बाराती बहुत ही खुश थे और नाच गा रहे थे, मगर सभी बाराती पक्षी नहीं बल्कि भूतिया चिड़िया की आत्मा थे। और उस बारात का दूल्हा कालू कौआ सबसे डरावना लग रहा था। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। कालू, आज तो तुम बहुत खुश होंगे। हाँ यार, आज मेरी सपनों की रानी टूनी चिड़िया से शादी होने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ। हरी ये सब देख ही रहा था कि अचानक ही उसकी आंखों के सामने नदी के पास वाली जमीन धस गई, जिस पर दूल्हा खड़ा था। ये देखते ही हरी की चीख निकल गई। ये क्या हो गया? तभी सभी बारातियों का ध्यान हरी तोता पर चला गया। जमीन धसने की वजह से दूल्हा कालू कौआ नदी में गिर चुका था। जब भूतिया बाराती दूल्हे को बचाने आगे बढ़े तो जमीन और धसती चली गई और देखते ही देखते बारात के सभी पक्षी उस नदी में गिर गए। इतना बड़ा हादसा सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर हो चुका था। ये सब देखकर हरी बहुत ज्यादा डर गया था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। तभी हरी को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे देखा तो एक भूतिया चिड़िया की आत्मा दुल्हन के रूप में तैयार खड़ी रो रही थी। भाई साहब, हमारी मदद करो, मेरा होने वाला दूल्हा उस नदी में गिर गया है, उसे बचा लो भाई साहब, उसे बचा लो, मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। देखो, आज मेरी शादी थी, मेरा दूल्हा मंडप तक नहीं पहुंचा, उसे बचा लो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? हरी उसकी आंखों में देखते ही देखते उसके वश में आ गया। धीरे धीरे वो नदी की तरफ जाने लगा और सभी भूतिया चिड़िया की आत्मा उसके आसपास इकट्ठी होकर जोर जोर से रोने लगी। हरी नदी में कूदने ही वाला था कि उसका बड़ा भाई दौड़ता हुआ आया और उसने हरी के ऊपर एक राख जैसी चीज डाल दी। वो राख पड़ते ही हरी वापस होश में आ गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। तब तक वो सारी भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो गई थी। फिर उसका भाई बंटी उसे घर लेकर आया। उसकी दादी ने उसे बताया, जब मैं 6 साल की थी तब मैंने सुना था कि नदी के पास गुजरने वाली एक बारात के सारे पक्षी नदी में गिरकर मर गए थे। उसके बाद जितने भी पक्षी रात के समय उस नदी से गुजरे, उनमें से ना जाने कितने पक्षियों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, और इसलिए कोई भी पक्षी उस नदी के रास्ते से नहीं जाता। बंटी ने मुझे बताया था तुम्हारे लौटने वाले रास्ते के बीच में वो नदी पड़ेगी, और इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे भाई को वहाँ पहले ही भेज दिया था। ये सब सुनकर हरी तोता बहुत दुखी हुआ और उस दिन के बाद हरी तोता फिर कभी उस नदी के आसपास भी नहीं भटका। एक बार बबली कबूतरी दूसरे जंगल में सैर करने के लिए जाती है, तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है।
बच्चे की आवाज़ सुनकर बबली कबूतरी कहती है, अरे ये बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, चलो देख कर आती हूँ, एक मिनट कहीं ये किसी जादूगर का जाल तो नहीं है। फिर दोबारा बबली कबूतरी को बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अब की बार उसे रुका नहीं जाता है, वो उसे देखने चली जाती है। तभी वो देखती है वहाँ पर एक चिड़िया की बच्ची पड़ी है। अरे कितनी प्यारी बच्ची है, किसने इसे यहाँ पर छोड़ दिया, आजकल पक्षियों में जरा भी दया नाम की चीज नहीं है, इतनी मासूम सी बच्ची को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। ये कहकर बबली कबूतरी चिड़िया की बच्ची को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है और उसका नाम टूनी रखती है। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन वो बबली कबूतरी से कहती है, माँ मैं आपसे एक बात पूछूं, आप कबूतरी हैं और मैं चिड़िया, पर माँ ऐसा क्यों है, मैं कबूतरी क्यों नहीं हूँ। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तू मेरी ही बेटी है, टूनी जा बाहर चिड़ियाओं के साथ खेला। नहीं माँ मुझे आप बताइए, आप हर बार यही कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मेरी सारी सहेलियाँ परेशान करती है मुझे और कहती है तू तो जंगल में पड़ी मिली थी, तू अनाथ है, बबली कबूतरी उन्होंने तुझे पाला है, क्या माँ ये सब सच है। ये सुनकर बबली कबूतरी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया गोलगप्पे बेचने आती है। गोलगप्पे ले लो, खट्टे मीठे गोलगप्पे ले लो। तभी टूनी बबली कबूतरी से कहती है, माँ मुझे गोलगप्पे खाने हैं, चलो ना। ए टुनटुनी जरा टूनी चिड़िया को मीठे गोलगप्पे देना। तो अब टूनी चिड़िया गोलगप्पे खाने लगती है। तभी बबली कबूतरी बोलती है, आज तो इस गोलगप्पे वाले की वजह से बच गई, लेकिन मैं कब तक टूनी से सच छुपाऊंगी कि ये मेरी बेटी नहीं है। अब 10 साल गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया की शादी का दिन आ जाता है। बबली कबूतरी से कहती है, बेटा मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम एक चिड़िया की बेटी हो। एक बार मैं पास वाले जंगल में सैर करने गई थी, जब मैंने तुम्हें वहाँ रोता हुआ देखा, किसी ने तुम्हें वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था, मैं तुम्हें अपने साथ ले आई बेटा, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर टूनी चिड़िया रोते हुए कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप ही की बेटी हूँ, आप जितना प्यार तो मेरी सगी माँ भी नहीं करती, मुझे माफ कर दीजिए माँ, अगर मुझे पता होता मैं आपसे कभी सवाल नहीं करती, मुझे माफ कर दीजिए, आपने तो मुझे नई जिंदगी दी है। नहीं बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुझसे वादा करती हूँ, कभी भी तुझे अपनी जिंदगी में अपनी माँ की जरूरत होगी मैं वहाँ तुझे मिलूंगी। ये कहकर बबली कबूतरी टूनी चिड़िया को कालू कौवे के साथ विदा कर देती है। अब वो अपने घर में खुशी खुशी रहती है।